आज हम बनाएंगे रस मलाई। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। अभी हम इसे गरम करेंगे। इसे हम उबाल आएगा तब तक फुल गैस पे गरम करेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ताकि हमारा दूध अच्छी तरह फट जाए। अभी हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे, इस तरह कपड़ा रख के। अभी हम इस पे ठंडा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम शक्कर की चाशनी बनाएंगे। 1.5 कप शक्कर लेना है, 4 कप पानी लेना है, 1/2 कप। अभी हम गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हम पनीर को एक थाली में ले लेंगे। अभी हम इसमें 1 चम्मच अरारोट ऐड करेंगे। अभी हम इसे अच्छी तरह मसल देंगे। मैंने छेने को अच्छी तरह मसल लिया है। अभी हम इसका गुल्ला बनाएंगे। यहाँ पे हमारी चाशनी तैयार है। अभी हम छेना को चाशनी में ऐड करेंगे करीब 1/2 घंटे के लिए। गैस को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। इस पे हम ढक्कन रख देंगे। यहाँ पे मैंने रस मलाई के लिए 1 लीटर दूध लिया है। इसे हम अच्छी तरह उबालेंगे। यहाँ पे दूध उबल चुका है। अभी हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, काजू बादाम। क्रश की हुई इलायची ऐड करेंगे। 1/4 कप शक्कर डालेंगे। थोड़ा सा केसर वाला दूध ऐड करेंगे। अभी हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे। हमारा छेना तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। अभी हम इस पे रबड़ी ऐड कर देंगे।
ये हमारी रस मलाई तैयार है। ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।